Good morning, students. Today we will discuss the methods to increase the friction. Up to last class we have discussed the methods to reduce the friction. Today we will discuss methods to increase the friction. Many times we need to increase friction. We need to increase friction. गाड़ी के ब्रेक लगाना है, लाइनर्स इन आर व्हीकल एंड दीज लाइनर्स आर टू रफ दैट दे कैन इजीली अप्लाई द ब्रेक ओवर द व्हीकल टू स्टॉप द व्हील. नंबर टू, ट्रेडिंग ऑफ टायर. बच्चों, यू नो वेरी वेल द ग्रिप आर देयर, ग्रिप आर मेड ऑन द टायर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजाइन. बच्चों, डिजाइन दिखाने के लिए भी होती. दीज डिजाइन फॉर अप्लाई दी ब्रेक. ब्रेक अप्लाई करने के लिए डिजाइन होती है. एंड यू शुड, यू मस्ट नो अबाउट इट. दी सिंथेटिक रबर, दी सिंथेटिक रबर इज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग द टायर एंड दिस इज द मैन्युफैक्चर्ड रबर. इट इज नॉट नेचुरल रबर, इट इज द मैन्युफैक्चर सिंथेटिक रबर. सिंथेटिक रबर वाई? बिकॉज इट इज टू मच हार्ड एंड इट ऑल्सो इंक्रीज टू मच फ्रिक्शन बिकॉज इट इज लार्ज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. ताकि यहां पर इसका जो टायर है घिसे नहीं और फ्रिक्शन ज्यादा हो, ज्यादा से ज्यादा फ्रिक्शन अप्लाई कर सके. नेक्स्ट वन, सैंडिंग. इन वेन वी गो इन द आइस स्नो, वेन वी मूव ओवर द स्नो देन वी अप्लाई, वी स्प्रेड सम सैंड ओवर द. Why we spread some sand over here? To increase friction so that vehicle can move easily. Next one, athletes and players. Athletes and players, you know well, जो running करते हैं, जो running करने वाले होते हैं बच्चों, they use the spike shoes. Which kind of shoes? Spike shoes. Why they use spike shoes? To increase the grip. ताकि वो जो है जमीन के साथ, अर्थ के साथ ज्यादा grip बना, ground के साथ ज्यादा grip बना सके. Otherwise they may slip down. Next one, for cleaning floors. हम लोग जब फ्लोर को क्लीन करते हैं तो हम यहाँ पर क्या करते हैं बच्चों, हार्ड ब्रशेज आर यूज एंड दीज हार्ड ब्रशेज इंक्रीज एफिशियंसी ऑफ द फ्रिक्शन. जो रबर ब्रश होता है, हार्ड ब्रशेज, इसी टाइप से जो हमारा नाइफ होता है, नाइफ है कटिंग, टीथ है नाइफ. दिस टीथ नाइफ विल इंक्रीज द इजी टू कट द वेजिटेबल्स, इंक्रीज फ्रिक्शन. साइड ऑफ द मैच बॉक्स, साइड ऑफ द मैच बॉक्स, कभी उसको टच करके देखो, घुमा कर अपनी फिंगर को घुमाओ वहां पर. यू विल ऑब्जर्व दैट दीज साइड्स ऑफ द मैच बॉक्स आर टू रफ, बहुत ज्यादा रफ होती है. बच्चों, ये रफ क्यों होती है? ताकि फ्रिक्शन ज्यादा से, वेन वी रफ द मैच स्टिक इट इंक्रीज द फ्रिक्शन. ड्यू टू इंक्रीज फ्रिक्शन द इट कैन कैच फायर इजीली. कभी कभी बच्चों जब ज्यादा यूज करते हैं तो क्या होता है, वो रफ हो जाती, वो स्मूथ हो जाती. व्हेन इट बिकम स्मूथ देन हमारी मैच स्टिक अच्छे से काम नहीं करती. तो बच्चों, दीज आर दी मेथड्स टू इंक्रीज द फ्रिक्शन. नंबर वन, ट्रेडिंग, सैंडिंग, एथलीट्स बाय यूजिंग द स्पाइक शूज, क्लीनिंग द फ्लोर विद द हार्ड ब्रशेस and sides of the matchbox, teeth in the knife. Now students, look here, an important concept come here, an important concept. Why the friction is can be called as essential evil? Essential evil. हम इसको essential evil क्यों कहते हैं? कभी तो इसकी, क्योंकि कभी तो इसका एडवांटेज है. देर आर अ नंबर ऑफ एडवांटेजेज ऑफ द फ्रिक्शन, देर आर अ नंबर ऑफ डिसएडवांटेजेज ऑफ द फ्रिक्शन. एडवांटेजेज इतना इंपॉर्टेंट कि विदाउट फ्रिक्शन वी कांट लीव. नंबर वन, वी कैन वॉक ऑन द फ्लोर. व्हाई? ड्यू टू द फ्रिक्शन. देर इज फ्रिक्शन बिटवीन द ग्राउंड एंड आवर शूज. द between ground and shoes, the
दे मैट बी ग्रिप। अगर बच्चों हमारे जो शूज होते हैं घिस जाए तो फिर क्या होगा, वी में स्लिप डाउन, हम लोग गिर सकते हैं, स्लिप हो सकते हैं। इसीलिए हमारे शूज में क्या होती है बच्चों, इतने अच्छे अच्छे डिजाइन बनाए जाते हैं। ये डिजाइन हमको फैशनेबल डिजाइन नहीं होती, दीज आर फॉर दीज डिजाइन मेड फॉर दी टू इंक्रीज दी ग्रिप, ग्रिप को इंक्रीज करने के लिए डिजाइन बनाई जाती है। ठीक है, तो बच्चों बिटवीन दी ग्रिप, बिटवीन दी अर्थ फ्रिक्शन, बिटवीन दी अर्थ एंड शूज, ड्यू टू दी सोल ऑफ दी शूज वी कैन मूव इजीली, वी कैन वॉक इजीली, नंबर वन पॉइंट। नंबर टू, फ्रिक्शन हेल्प अस इन राइटिंग, वी कांट राइट ऑन द स्मूथ पेपर, अगर स्मूथ पेपर है तो हम लोग लिख नहीं पाएंगे, कब लिख पाएंगे, व्हेन पेपर इज स्लाइटली रफ, जब तक पेपर रफ नहीं होगा तब तक हम लिख नहीं सकते। नेक्स्ट वन, फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट, व्हेन वी यूज द मैच बॉक्स, फ्रिक्शन हुआ तभी तो यहां पर स्पार्किंग होगा, स्पार्किंग होगा तो मैच बॉक्स एंड लाइट होगा, अदरवाइज वी आर यूजिंग द लाइटर, लाइटर यूजिंग ऑल्सो फ्रिक्शन, फ्रिक्शन प्रोड्यूस द हीट, फ्रिक्शन प्रोड्यूस द स्पार्क एंड स्पार्क कैच द, स्पार्क को कौन कैच कर लेती है, हमारी जो गैस है किचन गैस। नेक्स्ट वन, वुड कैन बी कट ड्यू टू द फ्रिक्शन, एक्स एक्स देखो, एक्स के जो तीर होते हैं ये ऐसे ऐसे तीर, अब बच्चों जो एक्स होती है इस एक्स के, अभी हमने बातचीत भी किया, नाइफ की बातचीत किया, एक्स कुछ ऐसे, ये ऐसे ऐसे थी, ड्यू टू दीज टीथ, दीज टीथ इंक्रीज द फ्रिक्शन एंड ड्यू टू दिस फ्रिक्शन द वुड कैन बी कट, अदरवाइज वुड हमारी कट होगी नहीं। नेक्स्ट वन, फ्रिक्शन ऑल्सो हेल्पफुल टू डू डिफरेंट स्मॉल जॉब्स, ओपन द पेन, ओपन द कैप ऑफ द पेन, ओपन द बोटल, लिड ऑफ द बोटल, ये सब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ग्रिप बनानी पड़ेगी, अगर ग्रिप नहीं बनेगी बिटवीन द हैंड्स एंड लिड, ये आप लोगों के हाथ में भी ग्रिप बनी हुई, अगर ये ग्रिप नहीं होगी तो वी कांट ओपन दिस बोटल, वी कांट ओपन दिस लिड्स, फ्रिक्शन हेल्प अस टू पुट द नेल्स, ये देखो ये हमारा यहाँ पर स्क्रू सब इसको टाइट किया हुआ है, स्क्रू अगर स्क्रू वॉल के अंदर लगा हुआ हो देखो वहां पर नेल्स वगैरह लगी हुई, अगर नेल्स अपनी फ्रिक्शन नहीं होगा बच्चों दी नेल विल कम आउट, नेल जो होगी बाहर आ जाएगी, बाहर आ जाएगी तो हमारा काम बेकार हो जाएगा। नाउ लुक डिसएडवांटेजेस ऑफ द फ्रिक्शन, आफ्टर एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऑफ द फ्रिक्शन, बच्चों फ्रिक्शन इन मेनी वेज, इट इज वी कैन से इट इज नॉट एसेंशियल टू अस, हमारे लिए बेकार चीज है, वेस्टेज चीज है। कैसे, हम लोग बच्चों हमारे मशीन्स, इतनी हैवी मशीन्स, इतने महंगे महंगे पार्ट्स हम लोग लगाते हैं, फैन है हमारे, कूलर है, एसी है, इतने महंगे महंगे हम लोग आइटम्स लाते हैं, एंड दीज आइटम्स ड्यू टू फ्रिक्शन, दीज मशीनरीज ड्यू टू फ्रिक्शन देयर एफिशिएंसी गेट रिड्यूस्ड, देयर पार्ट्स मशीनरी पार्ट्स वियर एंड टीयर, वी नीड टू चेंज देयर बियरिंग्स देयर मशीनरी पार्ट्स, हमको इन सबको चेंज करना पड़ता है। तो नंबर वन, पार्ट्स ऑफ मशीनरी विच आर इन टच, कीप इन टच, जो भी टच में है ये सब घिसते जाएंगे, आज नहीं घिसेंगे थोड़े टाइम बाद। तो बच्चों इट कॉजेस लॉस ऑफ द मशीनरी पार्ट्स, वियर एंड टीयर ऑफ द मशीनरी पार्ट्स। सेकंड वन, जूते इतने अच्छे महंगे जूते लेकर के आए, शूज दिए आप लोगों ने, और एक महीने बाद, चार महीने बाद, छह महीने बाद इन सबके सोल जो होते हैं पूरे के पूरे सोल घिस गए, बच्चों जब सोल घिस गए क्या 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 कहेंगे, वियर एंड टीयर ऑफ द सोल, वी हैव टू चेंज आवर शूज। नेक्स्ट, वियर एंड टीयर ऑफ द टायर्स, जो हमारे गाड़ी के टायर्स होते हैं
व्हीकल्स टायर हमको क्या करना पड़ेगा, उनको बार बार चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दे वियर एंड टियर ड्यू टू दी फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड व्हीकल। फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट, और जब बच्चों हीट प्रोड्यूस होती है तो इसकी वजह से हमारी एफिशिएंसी जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है। हमारे कार के इंजन गर्म हो जाते हैं, इंजन अगर हम लोग कंटिन्यू चलाएंगे गर्म होने के बाद भी तो इट में ब्रेक डाउन। नाउ लॉस ऑफ एनर्जी, फ्रिक्शन टू कंटिन्यू मोशन इफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन, तो टू मेक कंटिन्यू मोशन वी नीड टू अप्लाई दी फोर्स, वी नीड टू सप्लाई दी एनर्जी। हमको एनर्जी की सप्लाई कंटिन्यू करना पड़ेगा बच्चों, ये कंटिन्यू करना ही पड़ेगा। तो इसी वजह से हम लोग क्या करेंगे, इट वेस्टेज ऑफ द एनर्जी, इट कॉजेज वेस्टेज ऑफ एनर्जी। तो क्या क्या हो गए, पार्ट्स ऑफ मशीनरी, मशीन वियर एंड टियर, सोल ऑफ शूज वियर एंड टियर ऑफ द टायर, फ्रिक्शन कॉजेज प्रोड्यूस हीट एंड विच कॉजेज द लॉस ऑफ रिड्यूस द एफिशिएंसी, लॉस ऑफ एनर्जी, वेस्टेज ऑफ द एनर्जी।